हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंचल। एज़ यू ऑल नो, आज मैं एज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करवाऊंगी। सो आई कम विद द लीनियर प्रोग्रामिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो हियर आई स्टार्ट। First one, I will tell you what is linear programming. Two words, combination of two words, linear and programming. Linear का मतलब होता है relationship between two variables. And programming मतलब जैसे mathematical model prepare करना। जब भी हम computer की बात करते हैं, computer में हम programs create करते हैं problem को solve करने के लिए। In that combined meaning, linear programming होता है एक variable में हम कुछ change करते हैं, कुछ some proportion changement लाते हैं, तो second variable में क्या change आता है, that is linear programming. Now, what is the assumption? Assumption of linear programming. The first one is proportional. Proportional. Proportionality मतलब कि must be proportion होना चाहिए। अगर हमने output को टू टाइम्स इंक्रीज करना है, देन हमें इनपुट भी टू टाइम इंक्रीज करना होगा। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ सेकेंड वन इज एडिक्टिविटी। एडिक्टिवली मतलब ऐड करना, चीज़ों को ऐड करना। सम रिसोर्सेज आर यूज डिफरेंट, एक्टिविटी मस्ट बी इक्वल टू द क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, इंडिविजुअली अलग अलग या फिर कलेक्टिवली combination form. Then third one is diversity. मतलब हम इसको तोड़ सकें। आंसर ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट एक नंबर में आए, जैसे 1, 2, 3 में आए। इट मे बी 1.5, 2/3, 1/3, that one, that is divisibility. Now next one is certainty. सर्टेनिटी मतलब कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी पता हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ हमें कॉन्स्टेंट भी पता हो, हमें सब कुछ वेल नोन हो, और जितना हम स्टडी कर रहे हैं, जितने टाइम तक हम स्टडी कर रहे हैं, वो सब हमारा सेम प्रपोर्शन में रहे। नेक्स्ट वन इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब कि सॉल्यूशन जो है, हमारा जो आंसर आया है वो इनफाइनाइट अल्टरनेटिव नहीं होने चाहिए, एक ही अल्टरनेटिव होना चाहिए जो हमें पता हो। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजीज। सम डेफिनेशन वी मस्ट बी नो। दैट फर्स्ट वन इज व्हाट इज सॉल्यूशन। What is solution? जो हमारी LP की problem है उसके constant को जो satisfy करें, मतलब कि हम जब numerical करेंगे, in my next video हम numerical portion करेंगे, उसमें आपको और easily समझ में आएगा कि हमें कैसे वो solution को drive करना है, मतलब कि XJ, CJ ये हमें पता होनी चाहिए, बेसिक हमारा सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। सेकंड वन है हमारा फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल होना चाहिए, ये ना हो कि नॉन नेगेटिव आइटम्स होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव आइटम्स। अगर हमारी नेगेटिव आइटम्स हो जाएंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट वन इज स्लैग वेरिएबल। स्लैग वेरिएबल क्या होते हैं, जो अनयूज रिसोर्सेज रह जाते हैं, जैसे कि हमारा जो है हम जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा x1 + 7x2 > 1, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़्यादा है, वन इज़ ग्रेटर, वन बड़ा है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, एडिंग स्लैग वेरिएबल।
एडिंग स्लैग वेरिएबल। हम जो ये स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं सिर्फ इसीलिए ऐड करते हैं ताकि जो रिसोर्सेज, ये बड़ा है मतलब कि कुछ रिसोर्सेज यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम है, अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो वो रिसोर्सेज यहाँ पे भी हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों इक्वल। और स्लैग वेरिएबल की वैल्यू पॉइंट समथिंग होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती, इट मे बी ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, नॉट ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगी तो हम एडिंग के कोई फ़ायदा नहीं है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है बट अप्रोक्सीमेशन ऑफ ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल भी जैसे कि मिनिमम, जब हम जब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, टू टाइप्स के प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम स्लैग वेरिएबल से काम चला लेंगे क्योंकि हमें एडिंग करना है, इधर ऐड होगा, ये कम है ये ज़्यादा है तो हम इधर ऐड कर देंगे। बट सरप्लस वेरिएबल हम तब यूज़ करते हैं जब ये बड़ा हो, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है वो बड़ा है राइट हैंड साइड से, ऑन दैट टाइम हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे और बाकी हम क्वेश्चन करेंगे फर्दरली और इजीली क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड थैंक यू।